एम्बीबीएस से ठीक हुए बच्चों का अब फॉलोअप होगा, ये जवाबदेही दो विभागों स्वास्थ्य और आईसीडीएस की होगी। स्वास्थ्य विभाग के एएनएम स्तर से और आईसीडीएस इसे महिला पर्यवेक्षिका के स्तर से पूरा करेंगी। इसके लिए जल्द ही एक फॉर्मेट भी बनाया जाएगा। ये बातें जिला प्रशासन और सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग से आयोजित वर्कशॉप में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कही। और आप सभी के सहयोग से और पूरा जिला प्रशासन इसके लिए कृतसंकल्पित है कि हम लोग बिल्कुल जीरो डेथ पॉलिसी और मिनिमम केसेस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। सभी जगह जागरूकता के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बिल्कुल हम लोग इस AES को काफ़ी चुनौतीपूर्ण तरीके से सामना करेंगे। चमकी को धमकी का जो हम लोगों ने शुरुआत किया, निश्चित रूप से हम लोग उसको कंट्रोल करने में सक्षम रहेंगे। उनको क्या सुझाव होगा सर, जो इस तरह की शिकायतें आएगी तो वो क्या करें आपकी ओर से? किन के बारे में आपने पूछा? जो पीड़ित होंगे, जो बच्चे जिस परिवार में, लेकिन जिस भी हर एक परिवार को हम लोगों ने, चूँकि ये एज ग्रुप बड़ा क्लियर है कि करीब 10 वर्ष से कम के बच्चे आते हैं, तो इन सभी एज ग्रुप के बच्चों और उनके फैमिलीज़ को हम लोगों ने सर्वे कराया है और उनके बीच लगातार जागरूकता के कार्यक्रम हम आयोजित करा रहे हैं। उसमें यही हम लोगों ने अनुरोध और अपील की है कि यदि इस तरह के कोई भी लक्षण, जो चमकी के लक्षण हैं, सीजर्स आने, बुखार, तेज़ बुखार आना, हाथ का पैर हिलना, कांपना, इन सब चीज़ों में या डिसओरिएंटेड हो जाना, इन सब चीज़ों में तुरंत बिना समय गंवाए PSC लेवल पर इसकी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, तुरंत PSC पर रश करें। इसके लिए एम्बुलेंस और विभिन्न वाहनों को भी हम लोगों ने टैग किया है, तुरंत वहां पहुंचें ताकि उनकी चिकित्सा कराई जा सके, उनको स्टेबलाइज किया जा सके, ये सारी व्यवस्थाएँ की जा सके। ये लगातार प्रचार प्रसार के माध्यम से उनको, उनके परिवार के लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को लगातार हम लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्रचार प्रसार में धार्मिक स्थलों को, प्रचार प्रसार में धार्मिक स्थलों में हम लोग कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना चाहते हैं, हर एक प्रयास करना चाहते हैं, ताकि क्योंकि बच्चों का मामला है, बच्चे बिल्कुल संवेदनशील होते हैं, तो जो भी प्रचार प्रसार के माध्यम है उनको हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, वो धार्मिक स्तर पर कह लीजिए या प्रचार प्रसार के जितने भी माध्यम हो सकते हैं उसका। जिलाधिकारी ने कहा कि चमकी के छोटे लक्षण को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बच्चों को जल्द ही नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। ये 2 महीने चमकी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।